Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 5th of September 2019. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is, on the southwestern coast of India, you are most likely to come across which of these forests? A. Tropical deciduous forest, B. Mangrove forest, C. Tropical rain forest या फिर D. Mountain forest. Second question is, global gender gap report is released by A. World Bank, B. IMF, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO. थर्ड क्वेश्चन इज, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस एसेंशियली फोकसेस ऑन ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी इराक या फिर डी सीरिया. तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में एंड हम लोग अपना न्यूज डिस्कशन शुरू करते हैं. जो आज की सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड यहां पर इंडिया एंड रशिया के बीच में बहुत सारे कॉपरेशन एंड एग्रीमेंट साइन हुए हैं. तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी सबमिट कहां पर होती है, व्लादिवोस्टोक रशिया में होती है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा. अब ये जो सिटी है व्लादिवोस्टोक की दैट इज लोकेटेड इन द फार ईस्ट साइड ऑफ द रशिया, तो फार ईस्ट में लोकेटेड है एंड हेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी बाय विजिटिंग व्लादिवोस्टोक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द रशियन फार ईस्ट रीजन. अब यहां पर जो अब मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में, तो वहां पर क्या डिसाइड हुआ है, सबसे पहली चीज तो ये बोला है दोनों कंट्रीज ने कि दे आर अगेंस्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ एनी नेशन. ठीक है, कि कोई भी दूसरा नेशन जो है वो किसी नेशन के इंटरनल मैटर में दखलअंदाजी ना करे. ठीक है, अब इंडिया का ऑब्वियसली रेफरेंस वॉज टुवर्ड्स आर्टिकल 370 व्हेन मेनी वर्ल्ड लीडर्स लाइक ट्रंप हैज सेड कि दे वुड लाइक टू मीडिएट, बट इंडिया एंड रशिया हैज ज्वाइंटली क्लैरिफाइड कि कोई भी दूसरा देश जो है वो किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स में दखलअंदाजी ना करे. इसके अलावा ट्रेड, डिफेंस, स्पेस, ऑयल, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इन सब को लेकर के एग्रीमेंट्स एंड डील्स साइन हुई है. तो सबसे पहला मैरीटाइम कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो मैरीटाइम रूट बिटवीन चाइना एंड व्लादिवोस्टोक विल बी ओपन टू इंश्योर कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है, तो इंडिया एंड रशिया ने यह डिसाइड किया है कि चेन्नई एंड व्लादिवोस्टोक के बीच में कनेक्टिविटी को मैरीटाइम कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की जाएगी. इसके अलावा डिफेंस में अगर बात करें तो इंडिया विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फॉर द रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेटअप ज्वाइंट वेंचर्स एज द टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड नाउ द रिलेशनशिप इज चेंजिंग फ्रॉम बायर सेलर रिलेशनशिप इनटू वन ऑफ द कोलैबोरेशन. तो अब इंडिया जो है वो स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाएगा रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए अंडर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट. आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा. आपसे GS2 में पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट इट्स क्लोजनेस टू द यूनाइटेड स्टेट्स रशिया रिमेन्स अ स्टेडफास्ट एलाई ऑफ इंडिया, जस्टिफाई या फिर क्रिटिकली एग्जामिन या फिर इलस्ट्रेट. तो इन सारे पॉइंट्स का यूज करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि कैसे US के साथ हमारी क्लोजनेस है बट रशिया भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है एंड इट हैज इट्स रशियन फ्रेंडशिप हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. तो जब भी जरूरत पड़ी है तब रशिया ने हमारा साथ दिया है. अब इसके अलावा यह भी रशियन प्रेसिडेंट ने बोला है कि 20 रशियन डिजाइन न्यूक्लियर यूनिट्स इन इंडिया विल बी सेट अप इन द नेक्स्ट 20 इयर्स बाय रशिया. अब रशिया के कोलैबोरेशन के साथ हमारे यहां एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो यह ध्यान रखेंगे हम लोग कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस कंट्री के साथ है, रशिया के साथ. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हमारे फ्रांस गए थे G7 समिट अटेंड करने, तो फ्रांस के साथ हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दैट इज जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे. कई बार यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में भी मैच द फॉलोइंग करा सकता है कि किस कंट्री के कोलैबोरेशन से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है. इसके अलावा ऑयल एंड एनर्जी मार्केट्स को भी एलएनजी से रिलेटेड, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से रिलेटेड भी दोनों देशों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है. अब इंडिया जो है एलएनजी रशिया की से क्यों इंपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि इंडिया वांट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स गैस सप्लाईज. अभी क्या है पूरी तरह से हम लोग गल्फ के ऊपर डिपेंडेंट है बट नाउ इंडिया वांट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स गैस सप्लाई ऑल्सो. अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी जो सम्मिट है वो हर साल व्लादिवोस्टोक रशिया में होती है. अब ये कब से शुरू हुआ है, 2015 से शुरू हुआ है एंड इसके जरिए जो है वर्ल्ड इकोनॉमी, रीजनल इंटीग्रेशन, नई इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स के बारे में बात होती है एंड उसको इम्प्रूव कैसे और किया जा सकता है उसको लेकर के फोकस किया जाता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, तो अभी इसमें रिसेंटली एक चेंज किया गया था
एंड अंडर द अमेंडमेंट इट यूनियन गवर्नमेंट वॉज गिवेन द पावर कि उन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी पावर है कि अदर देन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा नाउ इंडिविजुअल्स कुड बी लेवल्ड एज टेररिस्ट. ठीक है, तो इंडिविजुअल्स को भी अब टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है. एंड इसी पावर का यूज करते हुए गवर्नमेंट ने जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, हाफिज सईद ऑफ लश्कर ए तैयबा, उसका जो डिप्टी है जाकिर रहमान लखवी एंड दाऊद इब्राहिम, दे ऑल हैव बीन डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. अब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट सॉरी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है वो पहली बार 1967 में आया था एंड अब तक इसको तीन बार अमेंड किया जा चुका था. इससे पहले 2004, 2008 एंड अगेन इन 2013. अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है हमारा 2019 में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए, तो सबसे पहला चेंज तो यही लाया गया है कि गवर्नमेंट के पास अब पावर है कि वो इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है. पहले ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लेयर किया जाता था एंड ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लेयर करने का नुकसान ये होता था कि मान लीजिए आज आपने ए ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया, कल वही लोग जो है मिलकर के बी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे एंड फिर बच जाते थे. इस लूप होल को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स हु हैव टेरर लिंक्स एज टेररिस्ट. इसके अलावा अमेंडमेंट में डायरेक्टर जनरल जो है एनआईए को उनको पावर दी गई है कि वाइल द जब टेररिज्म से रिलेटेड अगर कोई केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है तो प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है और अटैच किया जा सकता है. एंड इसके अलावा तीसरी पावर जो एनआईए को दी गई है वो ये दी गई है कि एनआईए बिना परमिशन लिए हुए टेररिज्म रिलेटेड केसेस में किसी भी स्टेट में जा सकता है एंड इन्वेस्टिगेट कर सकता है. इसके अलावा एक और चेंज किया गया है कि पहले क्या होता था कि डीएसपी रैंक या एसीपी रैंक से ऊपर के जो ऑफिसर होते थे वही टेररिज्म रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, बट इस अमेंडमेंट के बाद दैट पावर हैज बीन गिवन टू इंस्पेक्टर रैंक एंड अबव. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट एंड जिन चार लोगों को भी रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया है. अब वनडे टाइप जो एग्जाम्स हैं वहां पर आपसे चार लोगों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं. जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद एंड उसका डिप्टी जाकिर रहमान लखवी एंड दाऊद इब्राहिम, इन चार लोगों को डेजिग्नेट किया गया है एज अ टेररिस्ट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी रिलेटेड दैट इज रिलेटेड टू करतारपुर कॉरिडोर. एंड अब यहाँ पर जो रिसेंट मीटिंग हुई है वहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक नया टसल आ गया है करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड एंड दैट इज रिलेटेड टू फीस. अब पाकिस्तान जो है वो फीस लगाना चाहता है जो लोग विजिट कर रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर एंड इंडियन साइड इज सेइंग कि दैट शुड बी फ्री. अब उसको लेकर के देखते हैं कैसे इसको डील किया जाता है. सो दैट इज वन इशू. इसके अलावा जो इशूज हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. अब एक तो फीस को लेकर के है, इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो मना कर दिया है कि काउंसलर ऑफिशियल्स विल नॉट एकम्पनी द पिलग्रिम्स. अब इंडिया को डर इस बात का है कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर एंड आईएसआई जो है वो इसके जरिए इंडिया में इनस्टेबिलिटी फैला सकता है. सो इंडिया वॉज डिमांडिंग कि जब इंडियन पिलग्रिम्स जाएं करतारपुर कॉरिडोर सो दे शुड बी एकम्पनीड बाई काउंसलर ऑफिशियल्स. ठीक है, इसको पाकिस्तान ने मना कर दिया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम फीस को लेकर के है, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो काउंसलर एक्सेस को लेकर के. अब अगर करतारपुर कॉरिडोर के बारे में लिखना हो, आपको मेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करनी हो, तो ये दो प्रॉब्लम्स जो है वो ध्यान रखिएगा, फीस को लेकर के एंड इनस्टेबिलिटी को लेकर के. अब करतारपुर कॉरिडोर के बारे में देख लेते हैं इसका स्टैटिक पोर्शन कि किस किन दो शहरों को लिंक कर रहा है, गुरदासपुर इन इंडियन पंजाब एंड करतारपुर इन पाकिस्तानी पंजाब. अब ये कॉरिडोर जो है करतारपुर इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों है, बिकॉज देयर गुरुद्वारा दरबार साहिब इज लोकेटेड एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब जो है वो उस जगह पे बना हुआ है वेयर गुरु नानक देव ब्रेथ्ड हिज लास्ट, जहां पर उन्होंने अपने लास्ट कुछ दिन बिताए वहां पर गुरुद्वारा दरबार साहिब जो है वो बना हुआ है. एंड करतारपुर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पर जो सिखों का पहला कम्यून हुआ था वो करतारपुर में हुआ था एंड करतारपुर जो शहर है वो माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने बसाया था. एंड करतारपुर का मतलब है प्लेस ऑफ गॉड. किस नदी के किनारे है ये, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी. एंड ये जो कॉरिडोर है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई नवंबर 2019 which marks the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev. तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग करतारपुर कॉरिडोर एंड उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं.
नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड अभी जो तमिलनाडु हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वीके थाइल रमानी, उनका जो ट्रांसफर है वो मेघालय हाई कोर्ट में कर दिया गया है, ठीक है। तो अब उसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को बोला था कि आपको ये डिसीजन जो है वो रिकंसिडर करना चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। अब ये न्यूज में था, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा, जो कोलिजियम है उसके बारे में पूछा जा सकता है, एंड आपको पता होना चाहिए। तो जो कोलिजियम वर्ड दैट वाज कॉइन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन थर्ड जजेस केस 1998, तो थर्ड जजेस जो केस था 1998 में, वहां पर कोलिजियम शब्द जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मेंशन किया। अब जब ये थर्ड जजेस केस है तो इससे पहले भी जजेस केस हुए होंगे, तो फर्स्ट जज केस जो है वो 1981 में हुआ था, एंड सेकेंड जजेस केस जो है वो 1993 में हुआ था। अभी जो तीनों के तीनों जजेस केस थे, दे वर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, कि अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है कि बिफोर अपॉइंटिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज और अ हाई कोर्ट जज, प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसी को लेकर के डाउट था कि उस कंसल्टेशन में जो एडवाइस दी जाती है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर या नहीं होती है, ठीक है। इसी को लेकर के तीनों जजेस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। फर्स्ट जजेस केस में बोला कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ कंसल्टेशन है, उसका मतलब कंकरेंस नहीं है। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से भी अगर उनको नहीं सही लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस, तो भी वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जुडिशरी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, एंड ही हैज़ अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इट। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस है, दैट शुड बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले एडवाइस नहीं देंगे, बल्कि दो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे पूछ करके एडवाइस दी जाएगी। फिर थर्ड जजेस केस में जब गया केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंस्टेड ऑफ टू नाउ अ कोलिजियम एंड अ प्लूरलिटी ऑफ जजेस शुड बी देयर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर टेंडरिंग हिज एडवाइस शुड कंसल्ट द फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच विल बी नोन एज कोलिजियम। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ फोर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कोलिजियम। सो आई होप कि कोलिजियम का जो पूरा कौन कौन उसके मेंबर होते हैं एंड उसका कैसे बना वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग कोलिजियम के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कटिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। अब अगस्त 15 को प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि 2 अक्टूबर से एक कैंपेन लॉन्च किया जाएगा अगेंस्ट द प्लास्टिक्स। अब उसको लेकर के मल्टी मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई है उसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं, एंड ये डिसीजंस बहुत अच्छे हैं। इस गवर्नमेंट की इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए कि दे आर टेकिंग सच इनिशिएटिव्स। एटलीस्ट इंटेंशन तो है, हो सकता है इंप्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कत हो, बट देयर इंटेंशन इज राइट विच नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज प्लास्टिक इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। नोडल मिनिस्ट्री वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको कि काम दिया जाएगा इट विल इंश्योर एंड एनफोर्स द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। इसके अलावा जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें कि जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्लास्टिक को रिकलेक्ट करे एंड उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करे, उसको भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को दिया जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाएगा, सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं उनको बोला जाएगा कि दे शुड यूज प्लास्टिक एज अ फ्यूल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला जाएगा कि जो भी उसके सराउंडिंग में जो NH के अराउंड आपको प्लास्टिक मिलता है उसको कलेक्ट करिए, ट्रांसपोर्ट करिए, एंड उस प्लास्टिक का यूज करिए रोड कंस्ट्रक्शन में। अब रोड जो बनती है प्लास्टिक की, दे आर ड्यूरेबल अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड आर ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। तो एक तरह से अगर आप प्लास्टिक्स की रोड बनाने लग जाएं तो सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपका प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दूसरा ज्यादा ड्यूरेबल्स हैं, ठीक है, एंड तीसरा जो है उनकी कॉस्ट भी कम है, तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, क्योंकि 70% ऑफ द टोटल प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया इज जनरेटेड फ्रॉम द अर्बन एरियाज, तो जो 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो 2 अक्टूबर को प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करने का एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करेंगी। सेम थिंग विल बी डन बाय द ग्राम पंचायत, एंड गांवों में जो प्लास्टिक कलेक्ट होता है उसी का यूज करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रोडों को बनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, दीज आर वेरी नाइस इनिशिएटिव्स, इनको ध्यान रखिएगा जहां भी प्लास्टिक के बारे में आप लोग नोट्स बना रहे हो, ऑल दीज इनिशिएटिव्स कुड बी हाईलाइटेड। नाउ कम टू पेज नंबर 2, एंड यहां पर आज टीचर्स डे है, 5th of September इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, तो इसी को लेकर के पूरा का पूरा ऐड है, सो नॉट मच इंपॉर्टेंट। कम टू पेज नंबर 3,
एंड यहां पर हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स एक्ट। ठीक है, अभी जो है रिसेंटली सितंबर 1 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुए हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा बात हो रही है उसमें बात हो रही है पेनल्टीज की, कि बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगा दी गई हैं। अब ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उन्होंने पुलिस वालों के लिए बोला है कि अगर पुलिस वाले वायलेट करते हैं रूल को या फायर ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं देन डबल पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन देम। ठीक है, तो डबल पेनल्टी उनके ऊपर लगाई जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इसके बारे में कि यहां से आपसे जीएस 4 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनको एक आइडियल होना चाहिए, दे शुड एक्ट एज आइडियल। एंड जब सिविल सर्वेंट्स या कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी रूल को वायलेट करता है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट होता है लोगों की मोरालिटी के ऊपर। तो हाउ यू विल डील विद दिस कुड बी आस्क्ड। सो रिमेंबर दिस थिंग अबाउट द मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 4 एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। एंड न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला है कि पिछले 2 सालों में जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस हैं वो कम हुई हैं। अभी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को लेकर के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। ठीक है, तो अभी ये कैंपेन बहुत ज्यादा चल रहा है, टीवी में भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है एक तो वनडे टाइप एग्जाम्स में आपसे यही पूछ लिया जाए कि 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यूपीएससी के हिसाब से आपसे वेक्टर बॉर्न डिसीजेस के बारे में पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं हम लोग, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस क्या होती हैं। ऑल दोज ह्यूमन इलनेसेस विच आर कॉज बाई पैरासाइट्स वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटोज सैंड फ्लाइज ट्रायोटमीन बग्स ब्लैक फ्लाइज टिक्स सिसी फ्लाइज माइट्स स्नेल्स एंड लाइस आर कॉल्ड वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। तो ऐसी डिसीजेस जो पैरासाइट वायरस एंड बैक्टीरिया के कारण होती हैं एंड उसको मॉस्किटो एंड अदर एलिमेंट जो ऑर्गेनिजम्स है वो ट्रांसमिट करते हैं उनको वेक्टर बॉर्न डिसीजेस बोला जाता है। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस डिसीजेस बिटवीन ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान या जानवरों से इंसान में फैला सकते हैं उनको जो है वो वेक्टर बोला जाता है। एंड मॉस्किटोज आर द बेस्ट नोन वेक्टर्स। तो अब मॉस्किटोज के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये देख लेते हैं। एडेस मॉस्किटो के कारण होता है चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, लिम्फेटिक फिलेरेसिस, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर एंड जीका। मॉस्किटो एनोफिलस के कारण होता है मलेरिया एंड लिम्फेटिक फिलेरेसिस। मॉस्किटो क्यूलेक्स के कारण होता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फिलेरेसिस एंड वेस्ट नाइल फीवर। सैंड फ्लाइज के कारण होता है लेस्मेनेसिस। टिक्स के कारण होता है क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर एंड लाइमे डिसीज। सीसी फ्लाइज के कारण होती है स्लीपिंग सिकनेस विच इज ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन ट्राइपोनसमाइसिस। तो यह ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग वेक्टर बॉर्न डिसीजेस के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 5 एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कैसे मिसयूज होता है वो यहां पर आपको इस केस से समझ आ जाएगा। अब एक लॉयर है, उनको पता था कि पेटीएम जो है वो प्राइवेट कंपनी है, उसके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं फाइल किया जा सकता। सो ही हैज फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट आरबीआई। एंड किस चीज को लेकर के फाइल किया, क्योंकि जो पेटीएम का पोस्ट पेड बैंक है वहां पर वो क्रेडिट दे रहे थे, लोन दे रहे थे, वो नहीं दे सकते उसको लेकर के। तो अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप प्रॉपर मैकेनिज्म के जरिए आरबीआई के पास जाते या फिर प्रॉपर पिटीशन फाइल करते। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया था, दैट इज बींग मिसयूज एंड इट इज नाउ बींग यूज एज अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट कहाँ कब डेवलप हुआ था एंड कहाँ डेवलप हुआ था। इट डेवलप्ड इन द यूएसए इन द 1960s एंड इन इंडिया इट डेवलप्ड इन द अर्ली 1980s। एंड दो जजेस थे जिन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, डेट वर वीयर कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पी एन भगवती। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का गरीब लोगों को क्या फायदा हुआ, पहले ऐसा होता था कि जुडिशरी में एक प्रिंसिपल चलता था लोकस स्टैंडाई। ठीक है, लोकस स्टैंडाई में क्या होता है कि अगर आपका केस है तो ही आप उसको, अगर आप किसी चीज से प्रभावित हो रहे हैं या मान लीजिए आपके खिलाफ कोई आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है तो ही आप कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है बट दे कुड नॉट कम टू दिल्ली। अब मान लीजिए कि झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट में लोगों का राइट्स वायलेट हो रहे हैं एंड कोई अवेयर सिटीजन है उसको पता है, पर अगर ये लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल देखा जाए तो उस मजदूर को ही आना चाहिए। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट को जब ये लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए देन दे इनोवेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है कि एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन
कैन मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी और इग्नोरेंस और सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजिशन आर देमसेल्स अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द रेमेडीज। तो ये उनके लिए लाया गया था कि जिसके जरिए कोई भी जो लोग अवेयर हैं वो ऐसे लोग जिनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है या फिर अवेयर नहीं है या फिर पॉवर्टी के कारण आ नहीं सकते उनके राइट्स को एनफोर्स करने के लिए आप पिटीशन फाइल कर सकें। अब आजकल क्या हो गया है कि किसी भी नेता को अगर लगता है कि उसके अपोजिशन मेंबर के खिलाफ फाइल करवाना है तो वो फाइल करवा दिया जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए फाइल करवा दिया जाता है, वंदे मातरम गाने के लिए फाइल करवा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मिसयूज है विच कुड बी हाईलाइटेड, ठीक है। एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट हैज लेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म ऑल्सो, तो आप लोग आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वेदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज लेड टू द राइज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। नाउ कम टू पेज नंबर 8। यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू पोलावरम प्रोजेक्ट एंड आंध्र प्रदेश का जो कैबिनेट है उन्होंने जो एक पोलावरम प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी थी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड उसका जो टेंडर था वो कैंसिल कर दिया है एंड दे हैज सेड कि जो 780 करोड़ रुपीज जो नवयुग कॉरपोरेशन के पास हैं उसको भी वो उनसे रिकवर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, गोदावरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट है, किस स्टेट में बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है एंड दिस प्रोजेक्ट हैज बीन अकॉर्डेड द नेशनल स्टेटस, ठीक है। नेशनल प्रोजेक्ट का इसको स्टेटस मिला हुआ है, नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको कुछ ना कुछ फंडिंग देती है। गोदावरी रिवर के बारे में देख लेते हैं, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है हैविंग अ लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर, ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा। कहां से ओरिजिन है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। किस किस स्टेट से फ्लो होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मांजरा, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर पोलावरम प्रोजेक्ट एंड गोदावरी रिवर के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू कृष्णा रिवर एंड कृष्णा रिवर में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं एंड गेट्स ऑफ अलमाटी डैम हैज बीन लिफ्टेड एंड बहुत सारा पानी जो है वो कृष्णा रिवर में छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अब कृष्णा रिवर के बारे में देख लेते हैं, ये जो है इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। तो सबसे पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी पेनिनसुलर में, गोदावरी। दूसरी कौन सी है, कृष्णा। कृष्णा की लेंथ कितनी है, 1401 किलोमीटर। गोदावरी की लेंथ कितनी थी, 1465 किलोमीटर। ओरिजिन कहां है कृष्णा का, महाबलेश्वर इन सह्याद्री, जोर विलेज, सतारा, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं कृष्णा की, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, पंचगंगा। किन किन स्टेट से फ्लो होती है कृष्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। एंड कहां होता है, बे ऑफ बंगाल में। इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं कृष्णा के ऊपर, अलमाटी डैम, श्रीसैलम डैम एंड नागार्जुना सागर डैम। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग कृष्णा रिवर के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन और इनफैक्ट अ वेरी गुड इनोवेशन। तो अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वॉल्प बोट करके एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसके जरिए हाई राइज जो बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर उसको यूज किया जा सकता है पेंट करने के लिए। अभी तक क्या होता था कि ज्यादातर वर्कर्स को बेचारों को ऊपर से नीचे साइड में अगर आपने भी हाई राइज बिल्डिंग्स में पेंट होते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा वर्कर्स को ऊपर लटका दिया जाता है एंड नाउ दे हैव टू बैलेंस, दे हैव टू पेंट एंड मोस्ट ऑफ देम जिनके पास ज्यादा भी कोई भी सिक्योरिटी या जो भी सेफ्टी गियर्स होते हैं वो नहीं, उसके बिना ही पेंट कर रहे होते हैं। तो इसको देख करके इन लोगों के मन में आया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए एंड दे हैव फॉर्म्ड अ वॉल्प बोर्ड एंड ये एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन है जिसको आपकी इंजीनियरिंग अगर इंप्रूव करनी हो, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर वाकई अच्छा इंजीनियर बनाना है तो दे शुड थिंक अबाउट सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स एंड देन ओनली इनोवेशन कुड इंप्रूव इन इंडिया। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके जरिए कि आप इनोवेट किया है स्टूडेंट्स ने एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, सो रिमेंबर दिस। नाउ कम टू पेज नंबर 9 एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री लघु व्यापारी जनधन योजना, ठीक है। तो अब ये जो है स्कीम किसके लिए है, फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, ठीक है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि प्राइम मिनिस्टर जब अभी सैटरडे को नागपुर में होंगे तो वहां से इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। अब इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना जो है उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। एंड इसको जो है ये कब से स्कीम चालू है, फोर्स में कब से आई है, 22nd day of July 2019 एंड अभी तक ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है इसको सैटरडे को लॉन्च करेंगे। अब इसके
किन किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा? लघु व्यापारी, इट मींस हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वर्किंग एज शॉप ओनर्स, जो लोग दुकानदार हैं, रिटेल ट्रेडर्स, राइस मिल ओनर्स, ऑयल मिल ओनर्स, वर्कशॉप ओनर्स, कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स ऑफ रियल इस्टेट, ओनर्स ऑफ स्मॉल होटल्स, रेस्टोरेंट एंड अदर लघु व्यापारी। तो अब इस स्कीम का फायदा क्या होगा उन सारे लोगों को? अब ऐसे में 1.5 करोड़ रुपए से जिनका कम टर्नओवर है उन सभी लोगों को गवर्नमेंट ने इस स्कीम का फायदा देने के लिए सोचा है। एंड इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए एंड आपकी एज जो है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग कि 18 टू 40 ईयर्स ऑफ एज। अब यूपीएससी यहीं पर आपके साथ थोड़ा सा खेल खेल सकता है कि वो आपका बोल दे कि 18 से 60। सो रिमेंबर वेरी क्लियरली कि प्रधानमंत्री जो योजना है लघु व्यापारियों के लिए वहां पर एज क्राइटेरिया कितना है, 18 to 40 ईयर्स। एंड अगर आप इस स्कीम को ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर, 60 साल के होने के बाद आपको 3,000 रुपए की महीने की पेंशन LIC द्वारा दी जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, एक तरह से ये जो है सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने का भी एक इनिशिएटिव है। तो आप इसी स्कीम को हाईलाइट कर सकते हैं फॉर इंप्रूविंग द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग इसके बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019। अब इस बिल से रिलेटेड कमेंट्स मांगे गए हैं लोगों से। तो ये बिल जो है वो बेसिकली डॉक्टर्स के ऊपर जो वायलेंस होता है, या जब किसी के, मान लीजिए किसी के मरीज की डेथ हो गई, उसके बाद जो डॉक्टर्स की पिटाई कर दी जाती है उसको कम करने के लिए एंड जो मेडिकल स्टाफ है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। अब इसमें लोगों की राय मांगी गई है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला है कि लॉज अलोन आर नॉट एनफ, ठीक है? तो लॉ से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं उसकी और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाई एक्सपेक्टेशंस, लोगों को एकदम लगने लगता है कि डॉक्टर भगवान ही है और हर कंडीशन में बचा लेगा। दूसरी जो प्रॉब्लम है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिटेशंस, कि डॉक्टर्स की लिमिटेशंस नहीं समझते हैं लोग, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स वैसे ही कम है, पेशेंट्स ज़्यादा हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब डॉक्टर्स कम हैं पेशेंट्स ज़्यादा हैं तो हर एक पेशेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स 24 घंटे 36 घंटों से लगातार काम कर रहे होते हैं, उनका भी ह्यूमंस हैं, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, सो देयर कंसंट्रेशन माइट ऑल्सो बी लैकिंग, या थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी लापरवाही एंड उसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। एंड फाइनली फोर्थ वन इज लैक ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग, कि लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है कि आपको समझाया जाए। जैसे मरीज भी है, उसकी तो किसी रिलेटिव की डेथ ही हो गई है, तो जो रिलेटिव्स हैं उनको भी हॉस्पिटल्स को चाहिए कि प्रॉपर काउंसलिंग का मैकेनिज्म रखें, कि उनको प्रॉपरली समझाएं कि हाँ ठीक है, मतलब एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी तब तक लॉज के जरिए जो है आप बहुत लिमिटेड कंट्रोल ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसमें बोला है कि अगर कोई डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है हॉस्पिटल में देन उस पर्सन को 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का फाइन उस पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019 के बारे में। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज, एंड यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है दैट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। एंड एग्जैक्टली एक महीने पहले 5 अगस्त को जो है जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, एंड उसके बाद जो इस जम्मू कश्मीर का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था दैट हैज़ बीन विथड्रॉन, एंड उसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं रहा एंड इट वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। एंड एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है कि एक महीने हो गए जब लोगों के ऊपर कम्युनिकेशन का रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है स्पेशली इन द कश्मीर वैली, एंड लोगों की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। एंड इसके अलावा एडिटोरियल ने हाईलाइट किया है कि ज़्यादातर जो खबरें बाहर आ रही हैं दे आर नॉट फ्रॉम कश्मीर, एंड इंस्टेड ऑफ जो कश्मीर के लोग हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है उनकी बात पता चले, ज़्यादातर देश में एक तरह का विक्ट्री का माहौल है कि बहुत बड़ी एकदम जीत हासिल हो गई है, तो उसको लेकर के एडिटोरियल ने बोला है कि हमको उसको ध्यान रखना चाहिए कि जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों का जो व्यू पॉइंट है वो ना मिले तब तक बहुत ज़्यादा जीत मनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट को बोला है कि जितना जल्दी हो सके कम्युनिकेशंस लाइंस को ओपन करने की ज़रूरत है एंड लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने की फिर से ज़रूरत है, ठीक है? एंड जो भी गवर्नमेंट ने वादे किए हैं कि ये स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स होंगी, महिलाओं को बराबर सम्मान मिलेगा, जो जम्मू कश्मीर की शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है उनको भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, तो इन सारे जो भी प्रोमिसेस आपने किए हैं उनको भी फुलफिल प्रॉपरली करना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है उसको भी हटाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस एडिटोरियल में हाईलाइट की गई हैं।
अब दूसरा जो है हमारा आज का लीड आर्टिकल है, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट इन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 2019। तो जो 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटीज यूएपीए एक्ट है उसमें चेंज किए गए हैं उसको लेकर के इसको लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो चेंजेस किए गए हैं दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द पेज नंबर 1 इटसेल्फ। तो यहां पर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है ऑथर का, दिस द प्रोविजन कुड बी मिसयूज्ड एंड इवन द यूएपी ट्राइब्यूनल्स व्हिच आर मेंट टू हियर द अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट अलाउज द गवर्नमेंट वास्ट अमाउंट्स ऑफ लीवे इन प्रूविंग इट्स केस। तो सेंट्रली ऑथर ने यहां पर यह बोला है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसमें आपने जो पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर करने की, ठीक है, आइडेंटिफाई करके उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी को चैलेंज करना हो कि नहीं मैं टेररिस्ट नहीं हूं, तो वो किसके पास जाएगा, वो यूएपीए के जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके पास जाता है। एंड यहां पर ऑथर ने उन ट्राइब्यूनल्स को ही क्रिटिसाइज किया है कि वहां पर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दी जाती है, एक वाइड पावर दी गई है जिसके जरिए गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी टारगेट कर सकती है। तो ये यहां पर हाईलाइट किया गया है। अब यहां पर एक पर्टिकुलर केस हाईलाइट किया गया है जमाते इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर का, जिस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया एंड उसकी बात नहीं सुनी गई, उसको ट्राइब्यूनल ने वहां पर फेयर प्रोसीजर नहीं अपनाया, उसी को लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। सो दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जमाते इस्लामी के ऊपर क्या बैन हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहां पर जो हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर क्रिटिकल एनालिसिस लिखने के लिए आ जाए कि अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक्ट का जो क्रिटिकली एनालाइज करिए, तो वहां पर आप एक क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। सबसे पहला कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है कि जो सील्ड कवर्स में आजकल एक ट्रेडिशन चल गया है कि जो एविडेंसेस हैं दे आर गिवन टू द जज इन सील्ड कवर। अब उस सील्ड कवर एविडेंस के साथ दिक्कत इस बात की होती है कि उसको सिर्फ जज देख सकता है और गवर्नमेंट देख सकती है। जिसके खिलाफ केस है आपके उसको वकील को भी तो दिखाना चाहिए ताकि वो भी मतलब उसको क्लैरिफाई कर सके कि वहां पर उसको क्या लगता है। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म यहां पर ऑथर ने हाईलाइट किया है। एंड ऑथर ने यह भी बोला है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस है जिसमें कि सामने वाले जिसके ऊपर आरोप लगा है जिसके खिलाफ एविडेंस है उसको भी क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर होती है वो दिया जाना चाहिए। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल एंड यहां पर जो हमारा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू रशियाज इंक्रीजिंग रोल इन द इंडो पैसिफिक। तो जो इंडियन ओशियन है एंड पैसिफिक ओशियन है वहां पर रशिया का रोल कैसे बढ़ रहा है उसको लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया। एंड अभी इंडो पैसिफिक में तीन मेजर प्लेयर्स हैं, यूएस, रशिया एंड चाइना। अब रशिया और चाइना एक साइड है एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अलॉन्ग विथ इंडिया इज ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है, मतलब साइड्स जो हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं। आपको लग सकता है कि रशिया और चाइना एक साइड हैं, बट अभी जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का इशू आया था देन रशिया टुक द अपोजिट साइड ऑफ द चाइना। ठीक है, तो हर देश जो है वो अपने हिसाब से उनके लिए जो सही होता है उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। बट रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है। अब वो कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। एक तो इंडिया के साथ जो उसका पॉजिटिव रिलेशन है, दूसरा है रशिया जो है वो वियतनाम के साथ भी डील कर रहा है क्योंकि वियतनाम का भी साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम है एंड यहीं पर रशिया जो है इस जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ भी अपना कॉपरेशन जो है वो बढ़ा रहा है एंड एट द सेम टाइम चाइना के साथ भी उसकी दोस्ती है। तो इस तरह से रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडो पैसिफिक में इंक्रीज हो रहा है एंड ये अच्छी बात है इंडिया के लिए क्योंकि जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो रशिया हैज स्टूड विथ अस एंड सो इट इज एक्सपेक्टेड कि चाइना को कंटेन करने में भी कुछ हद तक यूएस हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, बट अगर रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता है देन इट कुड बी यूटिलाइज्ड बाय इंडिया फॉर अंडरमाइनिंग द चाइनाज इंपैक्ट ऑल्सो। तो ये हाईलाइट किया गया है यहां पर इस आर्टिकल में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज यू हैव दैट इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। एंड अभी एक स्टडी पब्लिश की है लैंसेट ने, प्रोस्पेक्टिव अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजी, उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। एंड यहां पर ये बोला गया है कि इंडिया में कैंसर से अगर कंपेयर किया जाए तो तीन गुना ज्यादा मौतें जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के कारण होती हैं। ठीक है, एंड उसको ठीक करने की जरूरत है। अब ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के कारण क्यों ज्यादा डेथ्स होती हैं इंडिया में या फिर लो इनकम जो कंट्रीज हैं उन सभी में, बिकॉज ऑफ जो हेल्थ केयर है हमारा वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ठीक है, तो उसको मजबूत करने की जरूरत है एंड लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल सके उसके लिए जैसे अभी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आयुष योजना लॉन्च की है उसको मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को सपोर्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज का एक बहुत बड़ा कारण एयर पॉल्यूशन भी है एंड स्पेशली इंडोर एयर पॉल्यूशन डैट नीड्स टू बी
टैकल्ड। अभी इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो लॉन्च की गई थी, जिसमें सिलेंडर दिया जा रहा था ताकि जो चूल्हा जलाना पड़ता है या कंडों से जो खाना बनाना पड़ता है चूल्हे में, उसको जो है इंडोर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। नाउ कम टू द ऑपेड पेज, एंड ऑपेड पेज में आज जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है डेट इज़ रिलेटेड टू NRC अपडेशन। एंड यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया है कि कैसे, मतलब बीजेपी का जो एक था कि बहुत सारे मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जा सकेगा, लेकिन NRC की जब एक्सरसाइज हुई तो ये पता चला कि बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो 19 लाख लोग हैं जिनका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में नहीं है, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदूज हैं, इसके कारण बीजेपी डिसअपॉइंटेड है। बाकी यहाँ पर जो ऑथर ने हाईलाइट किया है कि जो एक बीजेपी वाले फैलाते रहते थे कि बहुत सारे मुसलमान जो है वो असम में आकर के बस गए हैं, बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैव कम टू असम, डैट इज़ नॉट ट्रू। मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन बढ़ी है डैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, अर्ली मैरिज एंड लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। तो इसी चीज़ को लेकर के ऑथर ने हाईलाइट किया है। एंड ऑथर का ये कहना है कि NRC जो है वो बहुत ही मेथडोलॉजिकल तरीके से किया गया है, एंड इसको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्रिटिसाइज करने की, एंड इसके जरिए जो है वो एक तरह की पीस जो है वो असम में आएगी। एंड ही हैज़ हिस्टोरिकली हाईलाइटेड कि कैसे जब माइग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू बढ़ा हुआ था तब असम में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था ड्यूरिंग द 1970s एंड मिड 1980s, एंड फाइनली आफ्टर द असम एकॉर्ड असम में एक तरह की पीस आई एंड पीपल हैव लिव्ड पीसफुली। तो उसी को लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया। अब एक जो सबसे बड़ा इशू ऑथर ने हाईलाइट किया कि मान लीजिए 19 लाख लोगों को जिनका नाम NRC में नहीं है, उनमें से अगर 5 लाख लोगों का अभी नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाता है इवन आफ्टर अपील, क्योंकि अभी तो उनके पास मौका है कि वो फॉरनर्स ट्राइब्यूनल पे अपील कर सकते हैं विथ इन 120 डेज, आफ्टर दैट दे कुड गो टू हाई कोर्ट एंड आफ्टर दैट दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, बट इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट अगर 5 लाख लोगों का नाम नहीं होता है NRC में मान लीजिए, तब आप उनके साथ क्या करेंगे, बिकॉज डिपोर्टेशन इज नॉट एन ऑप्शन। तो ऑथर ने यहां पर सजेस्ट किया है क्योंकि असम के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स में इन सारे रेसिडेंट्स को बसा दिया जाए ताकि इनका भी भला हो सके एंड जो ये प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जा सके। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। एंड यहाँ पर ऑथर का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है कि जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं या जिनके ऊपर एक्सीडेंट होता है उसके उन विक्टिम्स को ध्यान नहीं दिया गया है, एंड रैदर देन फोकस जो है पूरा का पूरा पेनाल्टीज के ऊपर रखा गया है। अब इंडिया जो है अराउंड 10% ऑफ ऑल मोटर व्हीकल्स रिलेटेड फैटलिटीज वर्ल्ड वाइड जो है 10% मौतें जो है वो इंडिया में होती है। नियरली 150,000 पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एक्सीडेंट रिलेटेड केसेस। ठीक है, तो इसको लेकर के यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया है कि फोकस जो है वो गवर्नमेंट का एक्सीडेंट विक्टिम्स के ऊपर नहीं है, रैदर पेनल्टीज के ऊपर है। हालांकि कुछ अच्छे स्टेप्स भी गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि इंश्योरेंस देना 5 लाख रुपए का इन केस डेथ ऑफ अ पर्सन एंड एन इंश्योरेंस ऑफ ₹2.5 लाख इन केस अ पर्सन इज ग्रीवियसली हर्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है वो गोल्डन आवर में गवर्नमेंट ने बोला है कि इंश्योरेंस देना चाहिए गवर्नमेंट को, कि गोल्डन आवर जो है वो पहला एक घंटा जब एक्सीडेंट होता है डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उस दौरान आपको हॉस्पिटल मिल जाए तो यू कुड बी सेव्ड। सो उससे रिलेटेड एक अच्छा प्रोविजन किया गया कि इंश्योरेंस कंपनीज को बोला गया है कि वो कैशलेस ट्रीटमेंट से रिलेटेड स्कीम्स लाएं ताकि लोगों का शुरुआती एक घंटे में मुफ्त इलाज हो सके। तो इसको लेकर के प्रोविजन है। अब और ज्यादा क्या किया जा सकता है, तो ऑथर ने यह बोला है कि जैसे अभी क्या होता है कि जो कमा रहा होता है या जो वर्किंग होता है सिर्फ उसी को मतलब कंपनसेशन हाई मिलता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई महिला है वो घर संभालती थी, सी वॉज अ हाउस मेकर, उसको भी प्रॉपर कंपनसेशन देना चाहिए, उसके भी काम को आपको क्वांटिफाई करना चाहिए एंड अ प्रॉपर कंपनसेशन शुड बी गिवन। इसके अलावा जो दूसरा इशू हाईलाइट किया है ऑथर ने कि जो प्रोसीजरल डिलेज होते थे, बहुत सारे लोग थे जैसे आज एक्सीडेंट हो गया और उनको क्लेम जो है वो 10 साल बाद मिल रहा है, इसको सेटलमेंट जल्दी हो सके इसको लेकर के कोई काम गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ठीक है, तो एंड इसके अलावा एक और जरूरत थी कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट क्लेम बनता है, ठीक है, 10 लाख रुपए का, तो अभी क्या होता है कि 10 लाख रुपए का क्लेम जैसे ही बना तो जो मिडिलमैन होता है, दलाल होता है, वकील होता है, ये सब लोग जो है वो अपना खा लेते हैं पैसा 10 लाख रुपए इकट्ठा। तो गवर्नमेंट को एक काम और करना चाहिए था कि 10 लाख रुपए इकट्ठा देने से अच्छा है कि 10,000 रुपए चाहे महीना दिया जाए या 50,000 रुपए सालाना दिया जाए, ऐसा कुछ प्रोविजन करना चाहिए था। तो ये सारे सजेशंस जो है वो दिए गए हैं ऑथर्स द्वारा, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इन सारे सजेशंस के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 13।
एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम। एंड जैसे कि नर्मदा डैम जो है वो अब जब भर गया है उसके कारण जो उसके आसपास के गांव थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। तो अब नर्मदा रिवर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नर्मदा जो है वो इट इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड इट मेक एस्चुरीज। तो इंडिया की जो ज़्यादातर रिवर्स हैं दे आर ईस्ट फ्लोइंग एंड दे फॉर्म डेल्टास, बट नर्मदा अलॉन्ग विथ तापी इज द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक्स एश्चुरी। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। अब नर्मदा के बारे में ध्यान रखिएगा, इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्यन रेंज इन द नॉर्थ फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कौन सा नर्मदा रिवर में है? धुआधार वाटरफॉल्स। एंड इसके अलावा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं नर्मदा रिवर पे? इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बरगी, तवा प्रोजेक्ट और ऑन द नर्मदा रिवर। अब किन किन स्टेट से फ्लो होती है नर्मदा? मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल, तेंदोनी, बारना एंड कोलार। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा रिवर की। नाउ कम टू पेज नंबर 14 एंड यहाँ पर हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू हांगकांग। एंड हांगकांग ने अभी ये बोला है कि जो एक्स्ट्राडिशन बिल था उसको पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है वहाँ की हांगकांग की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो जो एक्स्ट्राडिशन बिल में क्या बोला गया था कि ऐसी सारी कंट्रीज जिनके साथ वहाँ हांगकांग का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है उन लोगों को भी, जो प्रिजनर्स जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको उन देशों में भी भेजा जा सकता है। तो एसेंशियली क्या था कि हांगकांग की अभी मेनलैंड चाइना के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है एंड जो हांगकांग में मान लीजिए कोई आदमी क्राइम करता है सो ही विल बी ट्राइड एंड जेल्ड इन हांगकांग ओनली। बट अभी चाइना क्या चाहता था कि जो लोग हांगकांग में क्राइम करते हैं अगर उन्होंने चाइना से रिलेटेड है सो दे कुड बी एक्स्ट्राडिटेड टू चाइना। इसी को लेकर के इतना ज़्यादा अपोजिशन चल रहा था एंड नाउ डैट बिल हैज़ बीन विदड्रॉन एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अब थोड़ा शांत होंगे। हांगकांग के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द चाइना। इट इज सराउंडेड बाय साउथ चाइना सी ऑन द थ्री साइड्स अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड इट वाज ब्रिटिश कॉलोनी टिल 1997। ब्रिटिश कॉलोनी था 1997 तक। इट वाज हैंडेड ओवर टू चाइना अंडर द वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल इन 1997। अब वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल क्या है कि इट इज पार्ट ऑफ चाइना, मतलब वन कंट्री टू सिस्टम्स मतलब चाइना के अंदर कम्युनिस्टिक सिस्टम है बट हांगकांग कैन हैव द कैपिटलिस्टिक सिस्टम फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। ये ट्रीटी जब हांगकांग को हैंडओवर किया गया था चाइना को तब ये साइन हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर हांगकांग के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट बिजनेस पेज एंड यहाँ पर जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू लेंडिंग रेट। एंड RBI ने अभी एक सर्कुलर जारी किया है कि जो भी रिटेल लोन्स हैं, लोन्स टू MSMEs हैं, इन सभी को अब बैंक्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक करना पड़ेगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब कुछ भी हो सकता है जैसे कि रेपो रेट। अब RBI ने बोला है कि 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क हैं जिनके बेसिस पर आप लिंक कर सकते हैं, या कि रेपो रेट के साथ लिंक करिए, या 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड के साथ लिंक करिए, या 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड के साथ लिंक करिए, या फिर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट रेट विच इज पब्लिश बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन चारों में से आपको किसी न किसी के साथ अपना जो लेंडिंग रेट है उसको लिंक करना पड़ेगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि RBI क्या करता था, वो रेपो रेट घटा देता था जिस रेट पे, रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे बैंक्स को पैसा मिलता है। लेकिन बैंक्स क्या करते थे, RBI से तो सस्ते रेट में पैसा लेते थे लेकिन कंज्यूमर्स को वो सस्ता इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं पास ऑन करते थे। इसको दूर करने के लिए अब RBI ने ये बोला है कि 1 अक्टूबर से जो आपका लेंडिंग रेट्स हैं, फ्लोटिंग रेट लोन्स हैं जैसे कि रिटेल कस्टमर्स को या लोन्स टू MSMEs, इसको आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो एम क्या है, फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स। एंड जो ये इंटरेस्ट रेट हैं दे विल बी हैव टू रीसेट एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स। एंड इसके अलावा एक ही कैटेगरी में जैसे कि MSME का ही लोन दे रहे हैं आप, तब वहां पर मल्टीपल बेंचमार्क्स आप नहीं अपना सकते हैं। देन अगर चुना है तो रेपो रेट ही चुनिए, या फिर जो जो भी आप चुनते हैं इन चारों में से उसी को आपको हर एक सिंगल कैटेगरी में उसी स्टैंडर्ड पे लोन्स देने होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू गोल्ड रिजर्व्स। एंड इंडिया हैज पिप्ड नीदरलैंड्स टू मूव इनटू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व्स। तो टोटल गोल्ड रिजर्व्स के मामले में अब इंडिया जो है वो दुनिया भर में टॉप 10 कंट्रीज में आ गया है, ठीक है। एंड अगर IMF, क्योंकि IMF की थर्ड रैंकिंग है, तो अगर कंट्री वाइज बात की जाए तो इंडिया का जो रैंक है वो 9th है, ठीक है। एंड जो सबसे हाईएस्ट नंबर जो गोल्ड रिजर्व है वो किसके पास है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास है 8,133.5 टन्स। इसके बाद सेकंड नंबर पे है जर्मनी 3,366.8 टन्स। एंड इंडिया के पास कितना है,
2 tons. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग गोल्ड रिजर्व्स के मामले में, अब इंडिया जो है वो 10th पोजीशन में है इन द वर्ल्ड, एंड अगर सिर्फ कंट्रीज की बात की जाए तो एट द 9th पोजीशन, क्योंकि 3rd पोजीशन जो है टॉप 10 में वो किसके पास है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास है विथ 2,451.8 tons. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग गोल्ड रिजर्व्स के बारे में. नाउ कम टू द लास्ट पेज, एंड लास्ट पेज पे हमारी जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू लिवेबिलिटी इंडेक्स. तो जो वियना है ऑस्ट्रिया की कैपिटल, दैट हैज बीन क्राउंड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी. ठीक है, अब ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट लिवेबल सिटी की जो रिपोर्ट है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है, द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की. सेकेंड रैंक किस की लगी है, मेलबर्न की लगी है, एंड थर्ड रैंक है सिडनी, फोर्थ इज ओसाका. अब इंडिया की तरफ से सबसे अच्छा कौन है, न्यू दिल्ली 118th प्लेस पे. ठीक है, एंड किस बेसिस पे रैंक किया जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, क्राइम, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एज वेल एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इस बार दिल्ली की रैंक जो है वो 6 रैंक गिरी है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्योंकि इस बार एयर पॉल्यूशन को भी एंड क्लाइमेट चेंज को एसेंशियली इंक्लूड किया गया था मेजर करने के लिए, तो यहां पर दिल्ली की रैंक जो है वो 6 रैंक गिर गई है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है, वियना, एंड इसको कौन पब्लिश करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ द इकोनॉमिस्ट ग्रुप. सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड, ये था आज का न्यूज डिस्कशन, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लिए जाए. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वी आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस एसेंशियली फोकसेस ऑन अफगानिस्तान. तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन, आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल. हैव अ ग्रेट डे अहेड.